मेडिटेशन है, किसी के लिए वो एक मेडिसिन का काम करता है, हील करने का काम करता है, मज़ा आता है ना, किसी के लिए वो स्टडी का है पार्ट, और किसी के लिए वो बस एक एंजॉयमेंट है, ऐसा भी है ना, बहुत सारे आपके आपके ये रहते हैं उसके लिए कि ये आपके लिए क्या है, राइट ना, किसी के लिए वो तपस्या है कि मैं नहीं इसकी पूजा करता हूँ, ये मेरे भगवान जैसा है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी जो चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ, जो एक चीज़ कर रहा हूँ, मैं कृति कर रहा हूँ, उससे मेरे को, मैं उसमें खो जाता हूँ, ठीक है, वो जो काम कर रहा हूँ उसमें मैं पूरा तरह से खो जाता हूँ, इसीलिए उस जो कृति है उसको हम आर्ट कहते हैं, ठीक है ना, हमें खो जाते हैं, एक तरह का फोकस हो जाता है हम उस पर, ठीक है। तो चाहे आप खाना पका रहे हो, या आप कुछ लिख रहे हो, कुछ गा रहे हो, किसी को बता रहे हो, जैसे मैं अभी फ्लो स्टेट में आ रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ ऐसे, है ना, तो या फिर आप कुछ बना रहे हो, ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या है, एक आर्ट का एक पार्ट होता है, ठीक है। उसमें भी हम अगर बात करें, ये विजुअल आर्ट मतलब आपको देखने जो मतलब जो आपको दिखता है, इसमें एक कला क्या है कि ये फास्टेस्ट लैंग्वेज है यूनिवर्स की, मतलब जो लाइट से हम इसको देख पाते हैं, लाइट की वजह से आपको दिख रहा है, राइट ना, ये फास्टेस्ट विजुअल लैंग्वेज है, इसको कहते हैं, ठीक है ना, जैसे ऑडियो लैंग्वेज है ना, एक सेंसेस होते हैं, फाइव सेंसेस, ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं, किसी को स्पर्श करते हैं, टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं, है ना, ये जो फाइव सेंसेस है, सुनते हैं कानों से, तो ये जो फाइव सेंसेस है ये आपके विजुअली मतलब जो आप कर रहे हैं उसमें फील होना चाहिए कि ये जो आप कर रहे हैं वो सामने वाले को वो बिना वो चीज़ फील किए उसको बस देखने के बाद वो फील होना चाहिए, जैसे कि कोई आपने एप्पल बनाया है ना, विदाउट वो एप्पल खाए उसका टेस्ट उसको फील होना चाहिए कि भाई क्या बात है, इसका टेस्ट ही अलग है, वो रसीला एप्पल है, समझ रहे हैं। या फिर अगर आपने कुछ चीज़ बनाई है जो कि बहुत वेट है उसका, तो वो वेट उसने उठाने के बाद कैसा लगेगा वो फील होना चाहिए आपके पेंटिंग में, तब जाके वो एक विजुअल आर्ट पीस है, समझ रहे हो। कुछ अगर कोई म्यूजिक बजा रहा है बहुत सुंदर सा से खोया है, तो वो म्यूजिक आपको सुनाई देना चाहिए, वो तो एक आर्ट, समझ रहे हो। तो ये तो बहुत आगे की चीज़ है, मतलब अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो एक क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है, जैसे आपने बोला है ना, तो आर्ट क्या है, एक एक्सप्रेशन, मतलब आप जो काम कर रहे हैं किसी को बिना बोले आपको बस समझाना है, समझाना क्या है, आपको फील करवाना है सामने वाले को कि यार मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बस इसको देखो और फील करो, है ना, बस वो जो फीलिंग है मेरा, जो मैं अंदर की बात बताना चाहता हूँ, वो जो ऐसे तुरंत आपको समझ आएगी ना, तो होता है आर्ट। जैसे कि एक अंधा बंदा है और उसको आपने ऑपरेशन करके उसको आँखें दी है, उसने कभी हाथी को नहीं देखा है मान लीजिए, और उसको आप बता रहे भाई जो हाथी होता है ना बहुत बड़ा होता है, बहुत एनिमल एकदम मस्त होता है, ऐसे ऐसे उसके ऊपर राजा बैठ के आ जाता है ऐसे वैसे, तो वो समझ नहीं पाएगा, उसको कितना भी एक्सप्लेन करके बताइए वो समझ नहीं पाएगा, जब तक आप उसको एक हाथी का सिंपल जो ड्राइंग होता है ना ऐसे ऐसे उसको होता है, पता नहीं कैसे होता है, तो जब तक आप उसको बना के नहीं दिखाते तब तक वो समझ नहीं पाएगा। ड्राइंग कर दीजिए, एक सेकेंड में पता चला, अरे हाँ भाई साहब ऐसा होता है ये हाथी, समझ रहे ना, तो ये एक सेकेंड में कनेक्ट कर पाता है। तो ये तो बस एक छोटा सा ड्राइंग है, समझ लीजिए अगर कि आप एक ऐसा पेंटिंग बनाते हैं जो एक्चुअल में एस्थेटिक आर्टवर्क है, तो वो सामने वाला बंदा कितना अच्छे से रिलेट कर पाएगा, जो उसने कभी देखा नहीं है, जो आपकी कल्पना है उस कल्पना को आपने जब कहीं देखा था उसने आपको डायरेक्ट देख के फील किया है, क्या भाई तू बताने की जरूरत नहीं है, तेरे मन की बात मैं समझ गया, समझ रहे ये वाली बात, और उसको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और आर्ट यही होता है कि उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, समझ रहे हैं, उसको इतना ये होना चाहिए कि उसको टाइटल की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, समझ रहे ना, इसके टाइटल की भी जरूरत नहीं है, ये तो जो बता रहे ना वो मैं समझ गए, समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ। और बेसिकली अभी हम पोर्ट्रेट की बात करते हैं, ठीक है ना, अभी हम सारे इसके बाद अब अगर हम पोर्ट्रेट की बात करें तो पोर्ट्रेट की कला एक्चुअली है क्या, आर्ट ऑफ द पोर्ट्रेट। तो जो हम इंसान हैं हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं, मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ वो तुम कभी ना कभी एक्सपीरियंस किए होंगे, ये जो बात होती है या किसी की पर्सनैलिटी होती है, किसी एक बंदे को हमने फील किया होता है कि यार ये जो बंदा है ना बहुत अट्रैक्टिव है, मतलब बस दिखने में नहीं, इसका जो नेचर है, उसका जो वो जो काम करता है या फिर उसका जो बिहेवियर है वो बहुत अट्रैक्टिव है, राइट, ये सारी चीज़ें, या फिर उसका एक कनेक्शन होता है, हमने किसी को कभी ये नहीं किया होता है, फेस टू फेस मिले नहीं होते हैं, हमने कभी उसको बस सुना होता है, किसी से सुना होता है, उसकी एक इमेज हमारे मन में क्रिएट हो जाती है कि यार ये बंदा ना ऐसा होगा, राइट ना, ये जो इमेज है या फिर ऐसे, और एक पर्सनैलिटी होती है कि यार इसका नाम सुनने के बाद ना वही इमेज जो है ना उसकी पर्सनैलिटी हमारे मन में छप जाती है। तो यही जो कैप्चर करना है हमारे पेंटिंग में यही होता है, वो जो कैरेक्टर है इसको ही बोलते हैं हम कैरेक्टर, कि यार जैसे कि मेरा नाम प्रेम है, प्रेम ऐसा दिखता है बंदा,
ऐसे, तो उसका जो पर्सनैलिटी है, उसका एक कैरेक्टर है, मन में एक हमारे छप जाता है, उसको आपको दिखाना होता है आपकी पेंटिंग में, वो फील आना चाहिए, तब जाके वो पोर्ट्रेट की आर्ट होती है, ना कि बस मैं कैसा दिखता हूँ एज इट इज, अगर आपने इसमें छापा तो उसमें मेरा पर्सनैलिटी नहीं आएगा, मेरा बस फेस आएगा उसमें कि हाँ प्रेम जो है कहीं कहीं ऐसा ही दिखता है, कुछ कुछ ऐसा ही दिखता है, ऐसा लगेगा, लेकिन मेरा जो एक्चुअल पर्सनैलिटी है, मैं भाई जिंदा कर दिया प्रेम ने, मतलब प्रेम को तुमने, ऐसा नहीं आएगा उसमें, वो जान डालने वाला जो काम होता है ना, वो आना चाहिए आपको पेंटिंग, इससे भी आगे जाके वो जो आर्ट का ये रहता है ना, मतलब क्या होता है इसको, उसमें जान डाल दी है आपने, क्या बोलते हैं इसको, जैसे कि मैंने कोई, अगर आपने कुछ, मैंने पोर्ट्रेट बनाया है, आपने उस इंसान को कभी देखा नहीं होता है, फिर भी उसकी वो बोलता कैसे होगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसकी आत्मा कैसी होगी, वो फील होता है उसको देखने के बाद, राइट ना, वो होता है उस पेंटिंग में जान डालना, वो बोलता नहीं है लेकिन आपको फील होता है कि यार बोलने लगेगा वो, ये मैटर नहीं करता कि मैंने उसमें कितने डिटेल काम किया है, आपको बहुत बार लगता होगा कि यार बहुत डिटेल काम किया है, बहुत फाइन आर्ट वर्क किया है, या बहुत एकदम घिसा घिस के, मतलब बहुत महीनों पे मैंने काम किया, तो वो जिंदा आर्ट वर्क है, ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना, डिटेल और परफेक्शन ये बहुत अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना, परफेक्शन जरूरी नहीं है कि वो डिटेल में हो, और डिटेल में भी वो परफेक्शन हो ये भी जरूरी नहीं होता है, कुछ स्ट्रोक्स में भी वो परफेक्शन होता है, कुछ स्ट्रोक्स में भी वो फील होता है, ठीक है, और परफेक्शन के बाद जो ब्यूटी है ना, वो ऐड करने का काम हम आर्टिस्ट करते हैं, समझ रहे हैं, तो आर्टिस्ट बस दिमाग से काम नहीं करता, बस हाथ से काम नहीं करता, हमका दिल दिमाग और हाथ, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जो बस हाथ से काम करता है वो एक मजदूर होता है, दिमाग और हाथ से काम करता है वो क्या होता है, हमारा कारागिर होता है, कि हाँ उसको पता है कि क्या उसको ये करना है, वो बस वो करता है, लेकिन जो आर्टिस्ट है वो आपका दिल दिमाग और हाथ, इन तीनों का कॉम्बिनेशन से वो काम करता है ना, तो आपका खुद का उसमें कुछ चाहिए, अगर आपको खुद का उसमें कुछ नहीं है, आपका खुद का दिमाग नहीं है, आपका खुद का उसका दिल नहीं है, तो वो पेंटिंग एक बस डायग्राम बन जाता है, जो साइंस का डायग्राम बस परफेक्ट है, किसी चीज़ को उठा के बस आपने छापा है, प्रिंटर जैसा काम किया है, बस इतना ही रह जाता है, उसमें वो आर्टवर्क नहीं होता है, कोई साइंस का डायग्राम क्या होता है, परफेक्ट होता है ना, उसमें अगर आपने कुछ बनाया है वो क्या होता है, उसमें परफेक्शन है, बस उसमें ब्यूटी नहीं है, उसमें एस्थेटिक नहीं है, उसमें वो आर्टवर्क नहीं कह सकते हम, समझ रहे हैं, कोई भी अभी मेडिकल के स्टूडेंट है, एनाटॉमी की बहुत अच्छी से मान लो कोई भी फिगर वगैरह बनाते हैं, लेकिन उसमें क्या है, एस्थेटिक नहीं, उसमें क्या है, ब्यूटी नहीं है, वो आर्टवर्क नहीं कह सकते, समझ रहे हैं, ऐसे तो यहाँ पे भी किसी को डाउट है सर, आपने बोला ना कि पोर्ट्रेट बनाते तो किसी का कैरेक्टर पकड़ना है, तो मतलब ठीक है, हम अगर किसी को जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं, बट उसको हम पोर्ट्रेट में कैसे दिखाएंगे कि वो फील आए, देखो यही तो कला होती है, जैसे कि वो दिखाने के लिए आपको सबसे पहले फंडामेंटल स्ट्रांग चाहिए, सबसे पहले मैं बोलता हूँ, फंडामेंटल्स में क्या आती है, आपकी ग्रेसफुल फ्लुएंट लाइंस आती है, मतलब अगर आप एनीथिंग कुछ भी बना रहे हैं ना, तो आपका जो हाथ है कॉन्फिडेंस से चलना चाहिए, ठीक है, डर डर के आपको लाइंस नहीं लगानी है, जैसे कि कोई लोग ना ऐसे डर डर के लाइंस लगाते हैं, एक लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक करने के लिए उनको क्या करना है, डरना पड़ता है, मतलब ऐसे 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 उसमें डर लगता है, वो डर नहीं होना चाहिए, समझ रहे, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा, अगर हम यहाँ पे बोले तो फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें, देखिए आर्टिस्ट बनने के लिए ना लंबा जर्नी है उसका, लेकिन वो जर्नी स्टार्ट कहाँ से होती है पता है, ऐसा नहीं है कि मैंने हाथ में पेंसिल लिया तो मेरी आर्ट की जर्नी स्टार्ट हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जब तक आपके फंडामेंटल्स, ठीक है ना, जो फंडामेंटल्स है ना, मेरी स्पेलिंग नहीं आती, मेरी हिंदी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है ना, जो फंडामेंटल्स होते हैं उसमें सबसे पहला होता है, मैंने बोला कि ये गीला है थोड़ा सा, सबसे पहला है कि ग्रेसफुल फ्लुएंट लाइंस, समझ रहे ना, आपके हाथ में उतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए, जो आप कोई भी लाइन लगा रहे हैं वो कॉन्फिडेंस से लग जाए, डर डर के नहीं लगाना है सबसे पहले, ठीक है, दूसरा चीज क्या है, देखिए लाइंस बनती कैसी है, डॉट 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 देने से, ठीक है ना, ऐसे इन्फिनाइट डॉट अगर एक जगह पे अगर हम लाते हैं तो क्या बन जाती है, लाइन बन जाती है ना, ये हो गया, जब दो लाइंस ये आ जाती है, जैसे कि ये क्या है, ये कौन सा डी है, जीरो डी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब बस एक डॉट है ये, राइट ना, इसके बाद अगर हम एक और एक डॉट लगाते हैं, सबको दिख रहा है अच्छे से, तो ये होता है 1D, राइट ना, मतलब ये जो बंदा है, अगर इसको अगर आप देखें कि ये इसी सरफेस के ऊपर कोई बैक्टीरिया है जो कि यहाँ पे वो मूव हो पाता है, तो ये जो है ना वो बस आगे और पीछे मूव हो पाता है, तो उसको बोलते हैं 1D, ठीक है ना, समझ रहे, वो बस एक ही डायरेक्शन में आगे और पीछे जा सकता है, वो इधर और उधर नहीं देख सकता, समझ रहे,
तो जब 1D के बाद जो आता है वो 2D होता है, मतलब यही लाइन अगर आप अलग अलग तरह से लगाते हैं, जैसे कि यहाँ से भी मैंने लगाई, यहाँ से भी मैंने लगाई, सेम यहाँ से भी लगाई और यहाँ से भी लगाई, तो ये हो जाता है 2D, बराबर। 2D मतलब ये क्या हो गया, ये इसमें लंबाई और चौड़ाई है, इसमें एक साइज है, समझ गए, ये क्या हो गया, 2D हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइंस के बाद जो एक दूसरे की लाइंस को मिलाने के बाद जो बनता है वो होता है शेप, ठीक है। 2D में क्या हो जाता है, हमारा शेप क्रिएट हो गया है, ठीक है ना, ये क्या हो गया, शेप क्रिएट हो गया। तो आप जो भी शेप बनाते हैं वो परफेक्ट होना चाहिए, मतलब क्या है, आपका ब्रेन जो कह रहा है वो आपका हाथ वैसे मूव होना चाहिए, जैसे मेरा ब्रेन कह रहा है कि भाई तुम यहाँ से लेके ऐसा शेप बना, तो वैसा ही बनना चाहिए। कभी कभी कैसा होता है, मेरा ब्रेन ये कह रहा है आपके हाथ वहाँ पे नहीं जा रहा है, तो इसके लिए पहले वाले पे आपको जाना पड़ता है कि आपका जो माइंड कह रहा है उसकी वो जो लाइन है वो वैसी बननी चाहिए। अगर मैं लाइन इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ तो इसी डायरेक्शन में जानी चाहिए, समझ रहे हैं ना, आप जहाँ चाहते हैं वहाँ आपकी लाइन जानी चाहिए। इसके लिए आपकी आँखें बहुत ज़रूरी है, तो आपको 3 चीज़ें सबसे पहले ट्रेन करनी होती है, आपका ब्रेन, आपकी आँखें और आपका हाथ, ठीक है ना। इन तीनों को अगर आप एक तरह से मिलाते हैं ना तो आपकी ये प्रैक्टिस जो है ना वो अच्छी हो गई ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया शेप, शेप के बाद आता है, पहले 1D हो गया, 2D हो गया, उसके बाद होता है हमारा 3D, जो हम जीते हैं, है ना, हमको क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है और क्या है, हाइट है, ऊंचाई है ना। जब हम 2D को ही एक और एक डायमेंशन देते हैं, जैसे कि ये वाला है ना, इसी डॉट से हमारे 3 लाइंस निकल रही है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, एक बेस भी है और उसकी लंबाई है, चौड़ाई है और क्या है, ऊंचाई भी है, मतलब क्या है, हाइट भी है, समझ गए। तो ये हो गया हमारा 3D, जो कि हम जीते हैं, ये पूरा जो दुनिया है क्या है, 3D है, 4D वो अलग है, मैं अभी ये साइंस का पार्ट नहीं बताने वाला, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं फॉर्म्स, फॉर्म्स मतलब क्या है, उसमें 3D होता है, 3D फॉर्म्स में होता है वो, जो भी चीज़ आप देखते हैं, जो भी चीज़ आप फील करते हैं, कोई भी चीज़ हो वो सारे क्या होते हैं, 3D में होती है, चाहे कोई पतला पेपर भी हो वो क्या है, 3D, राइट ना। बट इसके ऊपर जो मैंने शेप बनाए हैं, जैसे कि ये कोई भी शेप बनाए हैं वो क्या है, सरफेस पे वो 2D है, समझ रहे, लेकिन एक्चुअल में ये जो चीज़ है वो क्या है, 3D है, ठीक है ना। तो ये हो गया 3D का। ये दूसरा पार्ट आता है फंडामेंटल्स का, कि पहले आपकी ग्रेसफुल लाइंस, फिर आपके शेप, फिर आपका फॉर्म। अभी फॉर्म में 3 चीज़ें होती है, एक तो सबसे पहले जो भी आप 3D फॉर्म के जो स्टडी है उसमें आपका सबसे पहला होता है पर्सपेक्टिव, जिस एंगल से उसको आप देख रहे हैं वो वैसा आपके जितना करीब है उतना बड़ा दिखना चाहिए, जितना दूर है उतना छोटा दिखना चाहिए, ये सारी पर्सपेक्टिव के जो भी फंडामेंटल्स है वो आपको क्लियर होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। पर्सपेक्टिव जिसका क्लियर नहीं होता, कन्फ्यूजन है, तो आपका कितना भी आप रियलिस्टिक में काम करें वो हो नहीं पाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। पर्सपेक्टिव मतलब, मैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव का एक क्लियर बताता हूँ, पर्सपेक्टिव मतलब वो है कि जो चीज़ आपके कितनी करीब है और कितनी दूर है उसका एक जो ये है मतलब एक फील है, वो लाने का जो काम होता है उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव। अगर मेरी ये जो चीज़ है इतनी पास है, वो चीज़ है वो मेरे से दूर है, मेरे पास है तो कितनी बड़ी दिखेगी, दूर है तो कितनी छोटी दिखेगी, ये जो कितना जो अमाउंट है ना, ये इसका एक जो अमाउंट को ही हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव, समझ रहे ना। तो उसमें हमारा वैनिशिंग पॉइंट आता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, व्यूज़ होते हैं, जैसे कि एंट व्यू है, बर्ड व्यू है, ह्यूमन व्यू है ना, ये व्यूज होते हैं, मतलब आप उसको किस एंगल से देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं, कॉर्नर से देख रहे हैं, है ना। तो कोई भी अगर आप 3D शेप देखते हैं तो आपको वो किस एंगल से दिख रहा है वो आपका पर्सपेक्टिव के साथ आपको बनाना आना चाहिए, सिंपल शेप, ठीक है ना, इसमें कोई ये नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए अभी 3 सिंपल शेप कौन से होते हैं, यहाँ पे मैं बताता हूँ। सबसे पहले होता है हमारा, कुछ किसी को कुछ बोलना है नहीं ना, सबसे पहले होता है हमारा ये स्फीयर, मतलब क्या है, एक तरह का बॉल, राइट, ये 3D है, मैं अभी 3D का कंसेप्ट बता रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। शेप में हमारे 2D शेप आते हैं, जैसे आपका ट्राइंगल हो, सर्कल हो, है ना, स्क्वायर हो, ये सारे 2D शेप। 3D में क्या होता है, इसको ही बस हमको एक हाइट देनी पड़ती है, एक तरह का ऊंचा खड़ा करना पड़ता है, तो ये बन जाए 3D। जैसे सर्कल को ही हमने क्या किया, हवा भर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, बॉल बन जाएगा, राइट ना। तो ये जो बॉल है वो आपको किसी भी एंगल से बनाने को आना चाहिए। अब आप बोलेंगे यार इसको किसी भी एंगल से देखो ये गोली दिखेगा, मतलब सर्कल ही दिखेगा, इसका कुछ फंडा है ही नहीं। फिर उसके बाद आता है हमारा बॉक्स,
ठीक है। ये दूसरा हमारा पहला शेप ये हो गया, दूसरा शेप ये हो गया बॉक्स, ठीक है। दुनिया भर में या ब्रह्मांड में कोई भी चीज है, जैसे मैंने बोला थ्री डायमेंशन में है, उसको देखने का जो चीज है, मतलब उसके अगर आपको नापना है किसी चीज को, अगर आपको मेजर करना है, तो ये बॉक्स का जरूरत पड़ती है, समझ गए ना। मतलब मान लीजिए अभी ये पेन है ना, इसकी साइज अगर नापनी है तो मेरे को क्या करेगा, सबसे पहले मैं इसकी लंबाई, फिर उसकी चौड़ाई, और उसका जो ये है वो मैं नापूंगा, तो उसको बॉक्स में डालना पड़ता है, समझ गए। तो किसी भी चीज को अगर आपने बॉक्स में डाला तो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पता चलती है, समझ गए ना। तो आपको चीजों को पहले बॉक्स में डालना आना चाहिए। ये थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, मतलब आपको ये फंडा समझ आएगा कि इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। तब आपका मतलब सबसे पहले पर्सपेक्टिव में बॉक्स बनाना आना चाहिए, वो भी किसी भी एंगल से, चाहे आप उसको सामने से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो, नीचे से देख रहे हो, किसी भी एंगल से देख रहे हो, तो उसको पहले बॉक्स आपको बनाना आना चाहिए, समझ गए। फिर उसके बाद चीज़ों को बॉक्स में डालना आना चाहिए, मैं आगे बताऊंगा इसका, ठीक है। फिर तीसरा हमारा शेप आता है, वो है सिलेंडर, राइट। सिलेंडर में क्या होता है कि जो हमारा ये है, इसमें से सर्कल लिया और इसमें से हमने ऊंचाई लिया, दोनों को क्या मिलाया, मिलाने के बाद हमारा सिलेंडर बन गया है। तो दुनिया भर की कोई भी चीजें हैं, ये इन्हीं तीनों शेप को एक दूसरे के साथ मिला के बन जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी आपके घर में कुछ अलमारी वगैरह होती है ना, या कोई भी चीज होती है, तो आप देखेंगे कि उसका जो शेप है, इस शेप को ही खींचा है, लंबा खींचा है ना, उसकी हाइट इंक्रीज की है, कॉर्नर्स को हमने राउंड किया है ताकि किसी को शार्प एजेस ना लगे, तो इसको हमने क्या किया, सिलेंडर को और बॉक्स को मिक्स कर दिया, समझ गया ऐसे। या फिर मान लीजिए अगर हमने देखा तो बॉटल, हाँ यहाँ पे देखिए, अभी ये बॉटल दिख रही है सबको, अभी यहाँ पे कौन से दो शेप आए हैं, ध्यान से देखिए, एक तो सिलेंडर है, राइट। सिलेंडर के बाद और दूसरा शेप आया है इसका स्फीयर। स्फीयर आपको यहाँ पे कहाँ दिख रहा है पता है, ये जो अंदर से कर्व हुआ है, ये जो अंदर से अगर आप देखेंगे तो क्या हो गया, कर्व है, राइट ना। फिर ये कर्वेचर आप देख सकते हैं, तो बेसिकली इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है वो एक दूसरे को मिलाने के बाद तीसरा एक नया शेप जो बन जाता है ना, वो होता है ऑर्गेनिक शेप, समझ गए, ऑर्गेनिक शेप, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक शेप। चाहे आप पेड़ दीजिए, है ना, पेड़ का जो तना होता है ऐसे ऐसे, मान लीजिए एक पेड़ का तना है ऐसे, है ना, ये है सिलेंडर फॉर्म में, बट इसका जो जो टेक्सचर है, या फिर जहाँ जहाँ से ये थोड़ा सा यहाँ यहाँ बेंड हुआ है, या थोड़ा सा इसका डायरेक्शन चेंज हुआ है, उसमें इसका जो है ना जो ये है, मतलब इसका जो क्या बोलते हैं इसको, इसका जो गुणधर्म है वो उसमें आया है, मतलब जैसे यहाँ पे बॉक्स का जो ये है शेप है उसमें आया है, तो एक पेड़ में इन दोनों को मिलाया है ऐसे। कहीं कहीं पे यहाँ पे जो आपको देख रहे होंगे वहाँ पे थोड़ा सा स्फेरिकल लगता है ना, तो उसमें आपने स्फेयर को ऐड किया है। तो चाहे कोई पत्थर लीजिए, पत्थर में क्या होता है, बॉक्स भी दिखता है कभी कभी, सिलेंडर भी दिखता है कभी कभी, आपका स्फेयर भी दिखता है। तो कोई भी ऑर्गेनिक शेप लीजिए, इन तीनों को मिक्स करके ही वो बनते हैं, तो ये सबसे पहले आपको पर्सपेक्टिव में बनाना आना चाहिए कि वो किस डायरेक्शन से कैसे दिखते हैं, समझ गए। ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट पर्सपेक्टिव का, और ये शेप का, ऑर्गेनिक शेप का। देन उसके बाद ये सारी चीजों को आपको सामने रख के देखने के बाद बनाना आना चाहिए, चाहे कोई भी चीज हो, इन तीनों शेप को अगर आप अच्छे से बना पाते हैं तो आप सामने कोई भी चीज रखी हुई आप बना सकते हैं, चाहे कोई इंसान हो, या चाहे आप कोई ऑब्जेक्ट हो, या कोई भी चीज, समझ गए ना। बस इन तीनों चीज़ों को आपको पहले बनाना आना चाहिए पर्सपेक्टिव के साथ, और फिर उसको चीज़ों के साथ अरेंज करके वो कैसे दिखेगी वो बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये आपको इमेजिनेशन से बनाना आना चाहिए, समझ गए, कि वो अगर बॉक्स है, अगर मैं इसको नीचे से देखता हूँ, मान लीजिए इसी बॉक्स को मैं, हाँ सबसे पहले आपको बॉक्स ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इन दोनों की ये नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये सबसे ईजी है, ये थोड़ा सा मीडियम है, तो ये बॉक्स को आपको पहले बनाना आना चाहिए। बॉक्स को बनाना आना चाहिए मतलब क्या है, मान लीजिए मैं यहाँ पे अभी एंगल्स बता देता हूँ, फिर आपको बाकी सारी चीजें समझ आएगी। मेरे को देखिए अभी सब मेरा फेस दिख रहा है सबको, अभी हमारी जो हाइट होती है कितनी, 5 या 6 फीट के बीच में होती है सबकी, राइट ना। तो अगर मेरी आंखें जो आईब्रो है, आईब्रो और ईयर की जो लाइन है ना, ये ऐसे दिख रहे, कोई यहाँ पे मॉडल आ सकता है, मैं ऐसे एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ, हमारा बंदा है मॉडल, ठीक है। अभी इनको देखिए, इनका जो लाइन है, यहाँ पे एक लाइन देख सकते हैं आप, ये आईब्रो की लाइन है और ईयर की लाइन है, एक एक लेवल पे होती है, इसको बोलते हैं ह्यूमन,
चलो ठीक है, कौन सा व्यू बोलते हैं, ह्यूमन व्यू। मतलब क्या है, इस बंदे ने ना ऊपर देखा है, मतलब गर्दन ऊपर की है, ना इसने गर्दन नीचे की है, ये एक लेवल पे आपके सामने से आंख में आंखें डाल के देखता है, समझे ऐसे, तो इसको बोलते हैं ह्यूमन व्यू। ठीक है, इस बंदे की एज एन आर्टिस्ट आप कहाँ पे देख रहे हैं वो मैटर नहीं करता, ये कहाँ पे देख रहा है वो मैटर करता है, समझ गए ना, या फिर किस चीज को आप कैसे देख रहे हैं वो मैटर करता है। जैसे कि इसको अगर मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया, अगर इसके ईयर जो है वो नीचे जाते हैं, आईब्रो ऊपर आती है, तो इसको एंट व्यू कहते हैं। कौन सा क्यों कहते हैं, एंट व्यू, क्योंकि आप चींटी बन गए हैं। अगर आप इमेजिन कीजिए, आप बहुत साइज आपका छोटा हो गया एकदम एंट के बराबर, है ना, आपको सारी दुनिया कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी, आपको सारे गर्दन ऊपर करके देखना पड़ेगा, है ना। तो जो भी आप सारी चीजें नीचे से ऊपर देखते हैं, है ना, नीचे बैठ लीजिए, ये सारी जो भी सारी चीजें आप नीचे से ऊपर देखते हैं वो सारा कौन सा व्यू होता है, एंट व्यू, समझ गए। और जो भी आप एक ऊपर से नीचे देखते हैं, ठीक है ना, मतलब आपको जो भी सारी चीजें हैं वो ऊपर से नीचे दिखाई देती है, जैसे कि आपको क्या बन जाना है, बर्ड बन जाना है, तो उसको क्या बोलते हैं, बर्ड व्यू, समझ गए। तो अभी आप मुझे बताइए, ये बॉटल आपको दिख रही है, ये कौन से व्यू में है, ह्यूमन व्यू, गुड। अब ये तो समझ आया, यहाँ पे कोई डाउट है, नहीं है, गुड। अभी ये जो बंदा है, मैं इसका ये बॉक्स पे यूज कर सकता हूँ, इसका ये बॉक्स कर सकता हूँ ना, ठीक है, ये बॉक्स में समझने के लिए बहुत इजी होता है। आप बताइए कौन सा व्यू है, समझ गए। अभी इसका एक प्लेन्स भी होता है, मतलब ये फ्रंट है, मान लीजिए इस पे ऊपर कुछ लिखा है ना, ये क्या दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं फ्रंट, है ना, कुछ भी लिखा है मैं कुछ नहीं बता, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्रंट। ये इसका साइड हो गया, इसका राइट साइड या लेफ्ट साइड आपके हिसाब से देखिए, और ये इसका ये लेफ्ट का साइड हो गया, और ये इसका पीछे, और ये बॉटम, ये टॉप हो गया, तो ये तो आपको सब पता ही है, बेसिक है। तो इसको जितना आप ऐसे रोटेट करते हैं ना, उससे आपके एंगल्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या हो गया, फ्रंट, है ना, जैसे ही आप इसको ऐसा करते हैं तो इसका साइड वाला ये वाला पार्ट आपको ज्यादा दिखने लगता है, ये थोड़ा सा कम दिखने लगता है, तो आपका ये जो है ना व्यू चेंज हो जाता, एंगल चेंज हो जाता है। उसी के साथ ऐसे इनफिनाइट एंगल्स होते हैं, जैसा ये बंदा पूरा घूम जाएगा, है ना, ऐसे पूरा घूम जाएगा, तो ये क्या हो गया, इसमें बहुत सारे छोटे 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 एंगल्स होते हैं, ठीक है ना, आपको इतना देखने की जरूरत नहीं है। इसका आपको कितना परसेंट अमाउंट दिख रहा है मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा।